हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम भी यहाँ अच्छे ही हैं और इस वीडियो को बना रहे हैं। ये वीडियो है आपके पहले जो वीडियो बनाई है एडोब प्रीमियर प्रो के 1000 ट्रांजिशंस और इफेक्ट्स के बारे में। उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। पहले दिन आपके वीडियो में बताया था मैंने कि डाउनलोड कैसे करना है, आप उसको जाके देख लीजिए। आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप उसको दे दीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी आपका इसको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख के और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये वायरस फ्री है क्या। देखिए सब, मैं आप लोगों को बता दूं, इसकी गारंटी तो मैं ले नहीं सकता वायरस फ्री है कि नहीं है, क्योंकि फ्री में जो चीज़ मिल रही है उसको तो आपको अगर ज़रूरत है ले लीजिए, नहीं ज़रूरत है तो मत लीजिए। लेकिन मैंने भी इंस्टॉल किया तो मुझे अभी मेरे सिस्टम में अभी तक तो ऐसा कुछ हार्मफुल नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि मैं भी इंस्टॉल करके ही आपको दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ। तो अगर फिर भी आपको डाउट हो तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने सिस्टम में एंटीवायरस डाल के रखें, जिससे कि आप लोग को कभी दिक्कत ना आए। और या फिर डिफेंडर, जो विंडो 10 विंडो 11 जो यूज़ कर रहे हैं, इसके डिफेंडर ऑन करके रखें। और डिफेंडर ऑन करके रखें जिससे आप लोगों की इसमें प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो आप लोग व्यू बहुत अच्छा दे रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन थोड़ा कम है। तो आप, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अच्छा लगे तो लाइक भी करें। कोई कंटेंट अच्छा लग रहा है आपको, कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो इसके बारे में लाइक करके बताएं, मुझे मोटिवेट करते रहें और कमेंट भी करें जो कुछ पूछना हो। क्योंकि मैं इंस्टेंट तो जवाब दे रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास अभी सब्सक्राइबर भी कम है और उतना काम भी नहीं है अभी। फिर भी मैं अपना टाइम निकाल के इस वीडियो को बनाता हूँ आप लोगों के लिए। तो आगे चलते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको इस वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ। तो ये है मेरा कंप्यूटर, इस पे आपको आ गए हैं। और जो ये अभी जो ये बनने जा रहा है वीडियो, वो ये है विंडो, सॉरी एडोब प्रीमियर प्रो। इस पे आप जाएंगे विंडो पे, यहाँ पे तो यहाँ देखेंगे एक्सटेंशन फाइल यहाँ है ही नहीं, बस इसी को लाना है, इसी के लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जाएंगे जहाँ फाइल आपने सेव कर रखी है डाउनलोड करके, जैसे मैंने सेव कर रखी है, ये तीन फाइलें सेव कर रखी हैं। नहीं हो तो आप पिछला वीडियो देख के इन तीनों फाइलों को डाउनलोड कर लेंगे। और सबसे पहले देखिए, ये है मोशन ब्रो एक्सटेंशन, ये मैंने एक्सट्रैक्ट करके रख लिया है, मोशन प्रो 3.2.1। अब जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ इंस्टॉल करने के लिए, तो ये देखिए क्या बोलता है। ये देखिए, ये बोलता है ऑलवेज यूज द ऐप टू ओपन जेडएक्सी फाइल। तो एक जेडएक्सी फाइल के बिना ये ओपन होगा ही नहीं। तो मैंने जेडएक्सी फाइल भी इसमें इंस्टॉल कर, ये डाउनलोड कर रखा है। ये है, आपको जाके वहाँ जेडएक्सी फाइल ले लेना है। और इसको पहले मैं देखिए इंस्टॉल कर रहा हूँ। आई एग्री पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इंस्टॉल करेंगे, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये कुछ टाइम लगेगा लेकिन ये इंस्टॉल हो जाएगा, सारे कंप्लीट लगाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये इंस्टॉल हो गया, ये देखिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ये इंस्टॉल हो गया। देखिए अब इंस्टॉल करके इसको छोड़ दीजिए, बस ये इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल कंप्लीटेड है। ठीक है, अब आप जाइए मोशन ब्रो एक्सटेंशन पे, इसको आप डबल क्लिक करके, अब ये देखिए ये मोशन ब्रो, ये लिखा हुआ अननोन यूपीआई एरर, इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद यहाँ लिखा आ रहा है कंट्रोल प्लस ओ, ये देखिए ड्रैग जिप फाइल, या इधर ड्रैग कर दीजिए जिप फाइल आके। ठीक है, या फिर
या फिर एक मिनट ये चला गया, यहाँ पे कंट्रोल प्लस ओ कीजिए, ये आ गया आपके जिप फाइल पे, ले गया यहाँ पे, ठीक है, मीन्स जो मोशन ब्रो है वहाँ पे चला गया और वहाँ पे जाके ये ले आया, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, देखिए देख लीजिए ध्यान से थोड़ा सा, और मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, इंस्टॉलेशन थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है, ये देखिए ये इंस्टॉल हो गया यहाँ पे। अब इसको क्या करना है, इसको आप क्लोज कर दीजिए। अब चलते हैं फिर से उसी मोशन प्रो प्रीसेट पे, इसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। आपने जो डाउनलोड किया होगा 1.2 GB की जो फाइल थी मैंने बताई थी, उस वाली फाइल को आप एक्सट्रैक्ट करके इसमें जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये दो फोल्डर आपको मिलेंगे, फ्री प्रीसेट के और SFX के, इन दोनों को यहाँ छोड़ देना है। अब आप चलेंगे अपने प्रीमियर प्रो पे और वहाँ पे चल के देखते हैं, क्योंकि आपने इंस्टॉल तो कर ही ली है, अब वहाँ चल के हम प्रीमियर प्रो को ओपन करते हैं। ओपन कर रहा हूँ मैं इसको और ये देखिए प्रीमियर प्रो आपका ये खुल रहा है, और प्रीमियर प्रो पे खुलने के बाद अब देखें कि वहाँ ट्रांजिशन आया कि नहीं आया, ठीक है, चलिए वेट करता हूँ मैं अभी। ये देखिए कुछ ऐसा ही इंटरफेस खुल रहा है, अभी खुलने दीजिए थोड़ा, एक्चुअली कुछ इंस्टॉल होता है ना उसके बाद ये सॉफ्टवेयर थोड़े स्लो हो जाते हैं, लेकिन बाद में फिर काम करने लग जाएंगे। तो ये देखिए खुल गया, अब इसमें न्यू प्रोजेक्ट में है, मैं इसको वो करता हूँ न्यू प्रोजेक्ट, और मैंने ये न्यू प्रोजेक्ट ले लिया, ठीक है, इसको यस करेंगे और यस करने के बाद ये चला जाएगा आपके प्रीमियर प्रो पे। खुल गया, और ये एक्चुअली खुलने के बाद अब ये इसका लुक कुछ ऐसा दिखेगा आपको, और इसके अंदर देखिए यहाँ पर जाएंगे विंडो पे, तो यहाँ पे आप ये देखिए मोशन ब्रो आ गया, यहाँ पे एक्सटेंशन आ गया ये, ठीक है, और इसी एक्सटेंशन के लिए ये पूरा इंस्टॉलेशन था, मैं दिखाई दूँगा आप लोगों को एक्सटेंशन मोशन प्रो, ये क्लिक करेंगे, ये देखिए थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूँ, ये देखिए ये सारे एक्शन इसके, ये देखिए कॉल आउट भी है, मोशन शेप्स भी हैं, ये देखिए मोशन शेप्स, और बड़ा कर ले ट्रांजिशंस, ये देखिए ठीक है ट्रांजिशन एब्रीवेशंस और ऑप्टिक्स शिफ्ट। तो आप इसको बहुत सारे हैं, इसी के लिए ये वीडियो था। चलिए अब मैं इस वीडियो को क्लोज करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे नए आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और कुछ पूछना है तो कमेंट कर दीजिए। बस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ और नए एक्साइटमेंट के साथ।